लाइफ अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं। रेलवे में 140,000 ग्रुप है, 105,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल वन की कैटेगरी में, और लेवल टू से लेवल सिक्स की कैटेगरी में 35,000 वैकेंसी, 140,000 की वैकेंसी लाना कोई छोटी बात नहीं। पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज्यादा अधिकारी, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए जाने का मौका मिला। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया। कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने हैं। जब एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट कहा गया है तो 11 गुना क्यों दिया गया? एक ही विद्यार्थी का रिजल्ट 5 पोस्ट के लिए क्यों भरा गया? और तीसरा और आखिरी सवाल, 12वीं के पद के लिए 12वीं के बच्चों के साथ ग्रेजुएशन के बच्चों को बिठाया गया, क्या दोनों का स्तर समान है? नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर किस प्रक्रिया के तहत बढ़ाया घटाया जाता है? अगर आप छात्रों के सवाल जवाब दें सर, शायद उनके फायदा हो। आपने सारे प्रश्न पूछे, सारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इन सारे प्रश्नों को एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले लेवल वन में 2 स्टेज एग्जाम के 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम उसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप समझते हो। इसलिए इसके दो, एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाए, पहला ही। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं, किसी को कोई अधिकार नहीं। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं इसका। दूसरा विषय था। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस, 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई। तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स अ हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई, एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैप में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लो, तो वह विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैप में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया, कोई उसमें देरी नहीं की। और हमारा, देखिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना रोजगार। इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 140,000 टोटल, 105,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल वन की कैटेगरी में,
और लेवल टू से लेवल सिक्स की कैटेगरी में 35,000 वैकेंसी, 1,40,000 की वैकेंसी लाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको आपका चौथा पॉइंट आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, उससे 10 गुना लिए जाते, केवल 10 गुना लिए जाते। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज्यादा अधिकारी, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए जाने का मौका मिला। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाय चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया, जो 10 गुना था 2015 से पहले उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारे इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने हैं, यही मुद्दा। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत सेंसिटिवली।